बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में आपको बता दिया था मैंने, लेंथ निकालना बता दी, थीटा कांस्टेंट का आपको मैंने बता दिया, थीटा कांस्टेंट इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आपको मैंने क्लियर करा ही दिया था। एक आपको मैंने कन्वर्ट भी कराया था डिग्री से कांस्टेंट में, ठीक है। अब आपको मैंने कांस्टेंट से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया था, परंतु मैंने आपको एक कांस्टेंट से यानी डिग्री से कांस्टेंट में करना सिखाया था। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके आपको बता दूँ कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, माइनस पे 37 डिग्री एंड 30 मिनट, ये आपको इसको डिग्री में दे रखा है क्योंकि आप जानते हैं कि मिनट और सेकंड जो है वो भी डिग्री की फॉर्म होती है, उसकी छोटी वैल्यूज होती हैं। और आपको मैंने इसको कन्वर्ट करना आपको रेडियन में, इसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब रेडियन यानी पाई की फॉर्म में करना है या उसकी फॉर्म में करना है, तो आप इसको पाई की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कहेंगे ये नेगेटिव वैल्यू है सर, नेगेटिव वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, नेगेटिव को ऐसे कर लो, तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पाई बटे 180 यानी 180 पाई का कन्वर्ट करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता था, याद करिए। तो मैं आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये मिनट है तो या तो वो कंप्लीटली मिनट में या कंप्लीटली डिग्री, तो सबसे वाला हाईएस्ट वैल्यू वो डिग्री है, तो इसे मैं कंप्लीटली डिग्री में चेंज कर रहा हूँ। तो इस पहले मिनट को चेंज करना, तो जो मिनट है, एक मिनट जो आपने बताया था 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। नहीं यहाँ पे कितने हैं 30 मिनट, तो आपका 30 मिनट हो गया आपका 30/60 डिग्री, हो गया 1/2 डिग्री, तो आपका ये 1/2 डिग्री हो गया प्लस 37, ठीक है नहीं है, यानी माइनस के 37 डिग्री और जो हो गया आपका प्लस के 1/2, कंप्लीटली डिग्री हो गया आपका। अब आप इसके नेगेटिव को बाहर ले लें, कंप्लीट करें तो 37 टू जा कितने होते हैं 74/1 75/2 टी। अब डिग्री से किसमें चेंज करना कन्वर्ट? रेडियन में, कांस्टेंट में। और मैंने बताया था कि 1 डिग्री को अगर चेंज करना है तो कितना करते हैं पाई अपॉन 180 कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं है। नेगेटिव वैल्यू का बाहर रहने दो, और डिग्री में चेंज करने के लिए 75/2 * पाई अपॉन 180 कांस्टेंट मल्टीपल डिवाइड कर लो 15 से लेकर कितना रैम 5 से डिवाइड करो 5 5 5 2 5 से कितने टाइम 5 से गए आपका ये 5 3 से 36 फिर 12 से गए ये 3 टाइम, तो फिर मिला गया हो गया आपका कैलकुलेशन आपकी जो आई π/6, ठीक है कि नहीं है। हाँ यहाँ गलती होगी, ठीक है 5 से कट गया ये 5 से कितनी बार 5 3 15 36 और जो 5 से कटा है शायद 15 टाइम, ठीक है। फिर 5 से काट लो, अब 3 से काट लो 3 5 से एंड 3 से कट गया 12 टाइम, तो आपका आ गया माइनस के 5π/12 कॉन्स्टेंट, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5π/12 कॉन्स्टेंट, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो किसी भी डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पहले कंप्लीट डिग्री लाएंगे, कंप्लीट डिग्री को फिर चेंज करने के लिए कॉन्स्टेंट में π/180 का मल्टीपल कर देंगे, तो वो चेंज हो जाएगा इसमें कॉन्स्टेंट में, तो आप इस तरह से इसको कॉन्स्टेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका था एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं कि आपको मान के चलिए कि अगर मैं बात करता हूं क्लॉक की, और मैं कहता हूं कि क्लॉक के अंदर जो आपके पास मैंने बताया थी कि एक मिनट की जो है वो कितने डिग्री के बराबर होती है, आपको बता दूं कि क्लॉक अगर हम बात करते हैं मिनट के स्विंग इसकी मिनट वाली, यहां मिनट वाली एक स्विंग हम बात करते हैं कि 12
वन टू थ्री एंड सिक्स एंड नाइन, ठीक है। अब ये देखें जब आपको ये राउंड करती है तो पूरा एक कन्वर्ट करने में इसको 60 टाइम, कितनी टाइम, 60 टाइम कन्वर्ट करती है, ठीक है कि नहीं है। तो छोटा सा अगर एक पार्ट करेगी तो कितने मिनट में करेगी, जबकि एक राउंड करने में इसको कितने डिग्री का करना पड़ेगा, 360 डिग्री मूव करती है। मिनट वाले स्विंग मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, क्लॉक के अंदर बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं मिनट वाले स्विंग को अगर मैं कवर करूँ कि राउंड करती है, तो राउंड करने में आपको पता है कि एक सर्कल का जो डिग्री होता है वो होता है 360 डिग्री। और जब मिनट वाली स्विंग कितनी बार करती है, 60 बार, 60 बार तो कट करती है, आपको देखा होगा 60 बार स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो 60 बार चलती है, जब जाके वो एक पूरा मिनट कंप्लीट होता है, 60 सेकंड में जाके एक मिनट पूरा कंप्लीट होता है। अगर बात करें कि वो एक बार जो मूव करती है हल्की सी कट, तो वो कितने डिग्री करेगी, तो जब एक बार में करेगी तो बोथ डिवाइडेड बाय 60 यानी करेंगे तो 6 डिग्री मूव करेगी मिनट वाली, वन मिनट वाली वन मूव, तो वन मूव में वो 6 डिग्री जो है वो मूव करती है, यानी एक बार में 6 डिग्री मूव करेगी, फिर 6 फिर 6 6 6 ऐसे 6 6 करते करते पूरा मूव करने के बाद 360 डिग्री मूव कर रही है, यानी कि एक सेकंड के अंदर जो वो मूव कर रही है, एक सेकंड जो उसका होता है वो 6 डिग्री मूव करती है, ठीक है। किसी भी मिनट वाली अगर मिनट की बात कर रहे हैं, घंटे की बात करें तो फिर एक एक करके करेंगे, एक बार में कितना मूव करता है वो भी सेकंड में करता है। तो ऐसे ही अगर हम पर क्वेश्चन आए कि अगर मान के चल लीजिए मेरे पास अगर मिनट वाली की लेंथ दे रखी है और मुझे टाइम पूछा गया कि इस वक्त यहाँ मौजूद है, उसके बाद यहाँ पहुंच गई, तो उसके बीच में उसने कितने डिग्री का एंगल मूव करा है, या उसके बाद आप कितना डिग्री दे रखा है वो आप निकाल सकते हैं, उसके बाद उसने कितनी लेंथ कवर करी है वो आप लेंथ भी बता सकते हैं, कि इतने इतनी लेंथ कवर करी है, इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि एक मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री मूव करती है एक बार में, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, द मिनट हैंड, मैं आड़ी का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, तो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से है कि द मिनट हैंड है ऑफ अ वॉच is 15.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि आपके पास एक जो मिनट वाली जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा हाउ फॉर डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, यानी 40 मिनट के अंदर वो कितना मूव कर लेगी, कितना चल लेगी, जो आपके बाद बताई थी। मैं क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो मिनट वाली स्विंग यहां मौजूद थी तो जब वो 40 मिनट चल लेगी तो चलने पर वो कितना मूव करी है, कितनी सेंटीमीटर उसने मूव करा है, वो एल आपको फाइंड करनी है। इसकी लेंथ जो मुझे दे रखी है वो 1.5 मीटर सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है मुझे इस घड़ी की, और इसने आपको बताया कि किसी भी लेंथ को निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए होती है, एक रेडियस और दूसरी चीज चाहिए होती है उसकी डिग्री, यानी उसका एंगल, यानी कितना एंगल उसने कवर करा है। तो पहली चीज तो आपके पास गिवन है वो है उसकी रेडियस, क्योंकि जो आपकी घड़ी की स्विंग की जो उसने दी हुई है मिनट वाली स्विंग की जो लेंथ दी है वो एक रेडियस का काम करती है, तो आपके पास रेडियस आ गई 1.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास दूसरी चीज आपको चाहिए क्या, ये थीटा कांस्टेंट, यानी थीटा चाहिए, तो थीटा कहां से लाएंगे, तो आप थीटा आप निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि 40 मिनट वो मूव करती है, 40 मिनट तक वो चल पाती है, जबकि मैंने बताया था कि एक मिनट में जो मूव करती है वो 60 डिग्री मूव करती है, तो 40 मिनट के अंदर जो मूव करेगी, मिनट के अंदर जो मूव करेगी वो करेगी 40 × 6 इक्वल एन 240 डिग्री, तो वो 240 डिग्री मूव कर जाएगी 40 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 35 आपका इस टाइप से 35 आपका 40 यहाँ पे 40 मिनट आएगा, 30 डिग्री यहाँ होता है, तो इतना वो मूव कर गई,
पर इतना जब वो मूव कर गई 240 डिग्री उसने मूव करा है, अब 40 डिग्री ये किसमें है, डिग्री में, जबकि मैंने बताया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, जबकि थीटा कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट यानी इसे कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो जब मैं इसे कांस्टेंट में कन्वर्ट करूंगा तो कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये कन्वर्ट किसमें हो गई, कांस्टेंट में, ठीक है कि नहीं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जीरो कैंसिल कर लिया, ठीक है, सिक्स कैंसिल कर लेते हैं, सिक्स का गया फोर टाइम, सिक्स का गया थ्री टाइम, तो आपका टोटल आया 4π/3 कांस्टेंट, ये आपकी थीटा की वैल्यू आई, तो 14 मिनट में उसने इतना थीटा मूव करा है, और आपके पास जो आर है वो है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, आपको एल निकालनी है, और आपके पास फार्मूला था थीटा कांस्टेंट इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि आप एल का फार्मूला लगा सकते हैं सीधा सीधा, एल का फार्मूला था आपका थीटा कांस्टेंट इनटू आर। अब आपके पास थीटा कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो कितनी है, तो थीटा कांस्टेंट की वैल्यू है 4π/3 इनटू आर की है 1.5 मल्टीपल कर लिए, डिवाइड कर लीजिए 0.5 और फिर जाएंगे 2π, ठीक है कि नहीं। अब आपकी वैल्यू आ गई 2π, आपको 2π का सॉल्यूशन कर लीजिए, ये 2π की वैल्यू आपकी पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 या 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 28 सेंटीमीटर। तो जो इसने यहाँ से यहाँ तक जो एरिया कवर करने के बाद जो लेंथ वो मूव चली है वो उसकी लेंथ जो है वो 6.28 सेंटीमीटर कवर हुई है, क्लियर। तो हमें किसी भी तरह से अगर वो घंटे से कहता है तब भी घंटे वाली सुई भी जो एक बार में कट करती है, यानी पूरा एक मिनट का सर्कल बनने पर एक घंटे वाली सुई जो एक मिनट कवर करती है वो कितनी करती है, 6 डिग्री, यानी हमेशा 6 डिग्री कवर करेगी, क्लियर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है द एंगल ऑफ आर ट्राइंगल आर इन एबी, जो एक ट्राइंगल है उसके जो एंगल हैं इंटरनल एंगल वो आपके एपी में, लास्ट टाइम मैंने आपको बता दी थी कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्राम जिस प्रकार में लेते हैं नंबर लेते हैं या एंगल लेते हैं, तो मैंने आपको फॉर्म भी बता दी कि लेट द एंगल इज ए माइनस डी एंड ए एंड ए प्लस डी, इस फॉर्म में लेते मैंने बता दिया था लास्ट टाइम भी आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, यानी जो छोटा वाला एंगल है वो कैसे होना चाहिए, डिग्री में, देखिए वो कह रहा था डिग्री इन द लीस्ट, यानी छोटा होना चाहिए, इज टू नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, और जो बड़ा वाला है वो कैसे होना चाहिए, यानी ये छोटा वाला है जो डिग्री में होना चाहिए, बड़ा वाला रेडियन में होना चाहिए, और ये कह रहा उनका जो रेशियो है वो 60:π है, फाइंड द एंगल इन डिग्री, तो डिग्री में फाइंड करा रहा है, तो मैं आपको लेट कर लूँ कि इसमें मैं डिग्री में ले रहा हूँ, तो आपने सब एंगल जो है वो तीनों एक ही फॉर्म में लिया जाता है, यानी कि एक एंगल में ले लिया, दूसरा रेडियन में ले लिया, तीसरा कॉन्स्टेंट में ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, अगर एक ही फॉर्म में ले रहे हैं तो अगर मैंने डिग्री फॉर्म में लिया है तो तीनों एंगल जो है मैंने डिग्री के फॉर्म में लेट किए हैं, ठीक है। तो छोटा वाला तो मुझे डिग्री के फॉर्म में चाहिए, तो मुझे एज इट इज काम हुआ है, जबकि सब ग्रेटेस्ट एंगल है उसे कह रहा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, क्योंकि हमें ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री आपको बताइए, तो तीनों एंगलों का जब मैं सम करूंगा तो ए बी से डी कैंसिल हो गया, तो 3a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ए डिग्री इक्वल है 60, तो आपकी ए की वैल्यू 60 आ गई, और 60 - b 60 डिग्री एंड 60 + d डिग्री, ठीक है, ये आपके तीन एंगल हो गए, जबकि ये वाला तो मुझे डिग्री में चाहिए और ये आपका इसमें चाहिए रेडियन में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो ग्रेटेस्ट, यानी ये वाला एंगल थर्ड एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल एंगल, ठीक है, तो आपका ग्रेटेस्ट एंगल तब होता 60 + d डिग्री, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो डिग्री से कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपको बताइए, 60 + d की मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 180, कन्वर्ट कर दिया पूरे को कांस्टेंट में, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और इसका रेशियो चाहिए मुझे फर्स्ट, तो गिवन के अकॉर्डिंग जो गिवन था उसने स्मॉलर एंड ग्रेटेस्ट रेशियो दे रखा है,
आपका 60 अपॉन पाई, ठीक है, नहीं डिग्री में, और तो आपका स्मॉलर जो है वो है ए 60 माइनस डी, और जो ग्रेटेस्ट है वो है 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू 60 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 180 ऊपर पहुंच जाएगा। यहां कर देना वाई का पोर्शन, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो ये 180 पर पहुंच गया, यानी 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इंटू 180 इक्वल है 60, 60 से करके 3 टाइम या 1 टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 इंटू 60 माइनस डी एंड इक्वल है 60 प्लस डी, मल्टीपल कर लीजिए 180 एंड माइनस 30 डिग्री, 60 प्लस डी तो 30 को चलेगा तो 31 यानी 29, ठीक है कि नहीं, सॉल्व करिए इसे, कितना आ रहा है 3 टाइम, सॉरी ये कट गया आपका 3 टाइम, तो 180 एंड 3D तो 60 तक पहुंचाइए, तो क्या आपका हो गया 180 माइनस 60 और जो हो गया आपका 4D और जो आपके 120 एंड 4D एंड इक्वल है डी इक्वल है 30, डी की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई। आप पुट अप कर दीजिए इनमें, जो आपके पास तीन एंगल निकल के आए थे 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल के, इसी में पुट अप कर दीजिए, या आपके एंगल थे तो 60 माइनस के 30 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी एंड 30 डिग्री, तो आपके पास एंगल आ गए आपके, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, पता कर रहा हूँ वैल्यू डी की 60 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 प्लस 30 डिग्री, तो आपके पास तीनों एंगल आ गए 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 टाइम आगे, तीनों एंगल आपको फाइंड किया जा सकते हैं, ठीक है। रेडियन को कन्वर्ट करना सिखा दिया आपको, लेंथ निकालना सिखा दी, ठीक है, बहुत सवाल आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपसे सॉल्व करिए, कई कई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करिए, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ओके, थैंक यू।